संस्कार का हमेशा से नियत एक रही है कि लीपापोती करी जाए, और जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो कभी इन्होंने उठाए नहीं है। नतीजा आज ये है कि प्रदूषण की इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है कि गैस चेंबर बन गया है पूरा का पूरा NCR रीजन, और इसका जो है नुकसान जो है हर एक को। उसके साथ साथ ये जो आने वाले समय की जो हम पूछते हैं उनके लिए तो कुछ छोड़ के जाने वाले की तो बात ही छोड़िए, हमारा खुद का जो है जीना जो है दुर्भर हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है किसान को, क्योंकि किसान के ऊपर दो मिनट में, क्योंकि मासूम किसान, बेजुबान किसान, गरीब किसान, उसको जो है उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि ये सारा उनके कारण हो रहा है। जब सब जानते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से अगर इस सरकार के ही आंकड़े निकाल लो आप, तो 15-16% से ज्यादा प्रदूषण पराली जलाने से नहीं होता। पहली बात तो ये, तो सरकारों को इसका समाधान कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। अब किसान तो वैसे ही बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है, तो उसको आप किस तरह से, उसको आप कोई विकल्प दीजिए जिससे वो पराली ना जलाए, ये इनको ढूंढने चाहिए थे, इस तरह के चीजें ढूंढनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे लोग जो इन बहुत स्टडी करते हैं इसके अंदर बहुत मैंने पोल्यूशन के ऊपर जो है एक बहुत, ये ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल मेरे बहुत ही दिली जहनी तौर पे इसके ऊपर मैं बहुत काम करने की कोशिश करती हूँ। इसका जो है मैंने पिछली बार भी सजेस्ट करा था कि भई आप उद्योग, छोटे उद्योग लगाएं हर एक जिले के अंदर, जहाँ पे जैसे कार्डबोर्ड फैक्ट्री हो या खाद लगाने का कुछ हो, उसके अंदर जो है लोगों को, बच्चों को, युवकों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और मैंने 3 दिन पहले हरियाणा विधानसभा का जब सत्र था तब मैं ये कॉलिंग अटेंशन लेकर आई जिसकी प्रति मेरे पास है, उसके अंदर मैंने स्पष्ट तरीके से लिखा कि आप 100 रुपये प्रति एकड़, ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है, 100 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजे के तौर पे आप दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो किसान पराली जलाने से परहेज और गुरेज करे, है ना। अब ये यही चीज जो मैंने 3 दिन पहले कही थी वो कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कल कही है कि किसान को 100 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए ताकि जो कहते हैं वो पराली ना जलाए, ठीक है ना, ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब अगर ये विधानसभा के अंदर ये इन मुद्दों के ऊपर, ऐसे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा अगर ये करवा लें तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की बात ही ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाती है तब जब हैं तब ये वो मुद्रा से सोई हुई मुद्रा से ही उठते हैं, नींद की मुद्रा से, और फिर उसके ऊपर अब कार्रवाई करी जाएगी। क्यों नहीं हम जब विधानसभा के अंदर ये ऐसे इश्यूज हमारे को जब लोग चुन के भेजते हैं, सीनियर लोग हैं हम, क्यों नहीं हमारे को इजाजत दी जाती कि हम एक सकारात्मक रूप से जो है उनके सामने सुझाव रखते हैं, लेकिन उन सुझावों के ऊपर चर्चा भी नहीं होने दी जाती। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है गंभीर इस बात पे नहीं है, खाली वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वो है नी जर्क रिएक्शन, कि जब कुछ हो गया तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, फिर लीपापोती करके खत्म कर दिया। लेकिन ये पोल्यूशन जो है इससे जाने वाला नहीं है, ये आपकी, मेरी, सबकी, ये हमारा जो है ना फेफड़ों का सवाल है, हमारा जीवन का सवाल है, और इस पे सरकार अगर जो चुनी हुई सरकारें गंभीर नहीं होंगी तो खत्म है सब कुछ। तो ये वो जवाब आप किस तरीके से देखते हैं सरकार को? आप भी वहीं पे थे, गैलरी के अंदर थे, इसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं करी गई, कोई बात बताई ही नहीं गई, और पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, कॉलिंग अटेंशन मोशन किसको कहा जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वो इमरजेंसी के अंदर लगाया जाता है। आप समझते हो ये प्रक्रिया है, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो ये सरकार कभी ना पिछले 5 साल में फॉलो करा और इन्होंने भी ये शुरुआत कर दी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब कि कोई भी ऐसा अहम मुद्दा जो सरकार के संज्ञान में एक विधायक लेके आना चाहता है तो वो अपना उसके जरिए, और वो ऐसा अहम मुद्दा जो मतलब बहुत ही संगीन मुद्दा हो उसके जरिए, कोई हर एक छोटे मोटे मुद्दे नहीं इनके अंदर ला के दिए जा सकते, इम्पोर्टेंस का जो मुद्दा है उसको आप जो है, जब आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन हम लेकर आए हैं, आपका जो है विधानसभा सत्र है, आपको इसको लगाना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा होती, इसके सुझाव यहाँ पे जाते, सरकार को उसका फायदा होना था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है अब इसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, तो सच्चाई ये है कि ये सरकार जो है संगीन नहीं है इतने अहम मसले के ऊपर, ये मेरे को जो है इसका दुख होता है। तो जो आप सहमत हैं
जो आंकड़े ये लीपा पोती करने के लिए दे रहे हैं। आपने देखा कि पूरा का पूरा जो अभिभाषण जो इन्होंने दिया है उसके अंदर कोई ठोस बात लिखी ही नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है ये जजपार बीजेपी का गठबंधन हुआ, उनमें कहा गया था कि आप किसान का कर्जा माफी करेंगे, कर्जा माफी की कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर कहा था कि 75% जो है आप युवकों को नौकरी देंगे, ये बात भी कही थी। अब आप हमें बताइए वो 75% नौकरी, आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलां करेंगे, आप हमें बताइए जो उद्योग हैं वो तो खत्म हो रहे हैं। मारुति उद्योग आपने देखा, बड़े बड़े उद्योग हरियाणा से जो है पलायन करके जा रहे हैं, तो उद्योग तो यहाँ से तो भाग रहे हैं, तो आप ये 75% कैसे लेके आओगे, है ना। तो ये तो सारा का सारा लीपा पोती का काम अगर आप सदन के अंदर करेंगे, कितने दिन तक लोग जो है मूर्ख बनेंगे। थैंक यू मैम।